असलाम हेलो। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आजाद लाल वालेकुम साहब, सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैं बोलो मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। बोलिए भाई, बोलिए एक 2 मिनट बात करना चाह रहा था मैं आपसे। ना। माशाल्लाह आपके दो काम देखा मैं, बहुत अच्छा करे आप काम, आपकी जजाकल्ला तारीफ करूँगा मैं। जजाकल्ला। जो आप पहला काम करे, एक एक घर पर जाके आप वो हड्डी के लिए 8 लाख रुपए जो खर्चा आ रहा है, जी तो आप अपील करें। सलीम साहब भी अपील करे थे, वही जी 25,000 की आप हेल्प भी करे। नहीं, माशाल्लाह जी, बहुत से लोग उसमें मदद करे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करण, अल्लाह सबको अजर दे। जी सर। जी माशाल्लाह आप अच्छा करे। और सेकंड, आप काला पत्थर में कल आए थे, काला जी जी पत्थर में भी आके वो भी आप उनके आप 10,000 रुपये हेल्प करे। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे आप, अल्लाह आपको ऐसे ही जजाक काम लेते रहे आपसे। जजाक भाई। लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। जी बोलिए। मैं आपका पेज देखा, वो पेज पे लोग बोल रहे हैं कि प्रजा दरबार का देख के कॉपी कर रहे हैं आप, बोल के बोल रहे हैं अमजदुल्ला खान साहब का देखे। गरीब की मदद करना किसी की कॉपी नहीं होती ना भाई। जी अब मैं मिसाल के तौर पे मैं खाना खा रहा हूँ भाई, उन्होंने भी खाना खा रहे हैं, आप उनकी कॉपी कर रहे हैं, बोले तो ये क्या बात हुई। नहीं, एक सही है, कॉपी दूसरी, भी कर रहे तो एक अच्छा काम कर रहे देखिए। मैंने कॉपी कर रहे हैं क्यों, पहली चीज। और अगर कॉपी करने की बात है तो अमजदुल्ला खान खालिद मेरी कॉपी कर रहे आप हैं। ही आप कैसा पूछिए साहब, जी, आप पूछिए कैसा मिर्ची। आप सवाल जी सही कैसा करे। बोलिए। दरअसल है ये, आज से जो है 4.5 महीने पहले एक बच्चा था, उसका नाम मोहम्मद आमिर अहमद था। जी मैं उसके लिए जो है 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जो है डाल के स्क्रीनशॉट शेयर करा था, शायद मेरे पेज पे आज भी वो है। उसकी डेट जो है गालिबन 5 मई कुछ होना चाहिए। उस दिन मैं बच्चे की अपील करा था और 48 आवर्स में वो बच्चे कुछ अकाउंट में जो है 5 लाख रुपये, करीब 1,000-2,000 रुपये, कुछ कम, जी 48 आवर्स में 5 लाख रुपये वो बच्चे के अकाउंट में आए। अब आपको जान के हैरत होंगी कि वो बच्चा कौन है। वो जी बच्चा कौन है? अमजदुल्ला खान खालिद का सोशल मीडिया का एडमिन है। अमजदुल्ला जो खान बीच खालिद में का, तबीयत खराब है बोल रहे थे जी उन्होंने, हाँ कुछ जी हाँ जी हाँ जी वो हाँ, ही है क्या? वो बच्चा अमजदुल्ला खान खालिद का खुद का सोशल मीडिया का एडमिन है बच्चा। वो भाई, वो बच्ची की मदद 5 महीने पहले मैं करा। और जब मैं ये नहीं लिखा कि ये बच्चा एनबीटी का जो है सोशल मीडिया का एडमिन है, उसकी मदद करो, बल्कि मैंने लिखा। जो नहीं, अब मालूम हो रहा आप बोले तो मेरे आप को भी। अभी मालूम हो रहा, आप जरा जी चंचल गुड़े के जितने लोग हैं ना, उन किसी से भी पूछ लीजिए, वो लोग बोलते हैं भाई अमजद भाई बेचारे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अल्लाह उनको और जो है काम ले उनसे, लेकिन उन्होंने उनके एडमिन का काम नहीं कर सकी तो उन्होंने आवाम के लिए ये सोशल मीडिया पे तमाशा करना गलत है ना भाई। नहीं, उन्होंने भी काम कर रहे, देखिए आप ये ही कर कर रहे रहे होंगे, मैं हैं। कर रहे, मैं क्या बोला, कर रहे होंगे, करे तो अल्लाह उनका काम कबूल करे बोला। लेकिन मेरा एक वैलिड क्वेश्चन ये है, जो जी आदमी जो है खुद के सोशल मीडिया के एडमिन के लिए नहीं करा और उसके लिए मैं MIM का वर्कर बन के काम करा, तो भाई हम खामोशी से पब्लिक का काम करना पसंद करते हैं। अब उन्होंने तमाशा कर ले रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं। जब आप नहीं, सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब देने पे मजबूर हो जा रहा हूं कि MBT के सोशल मीडिया के एडमिन का भी काम हमारे को करना पड़ रहा। नहीं वो तो मैं अभी सुन रहा हूँ, मेरे को मैं तो आपको मैं यही मानता नंबर पे हूँ। व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा देता हूँ, मेरे भाई मेरे फेसबुक पे आज भी अवेलेबल है, मैं नहीं स्क्रीनशॉट भेजा देता हूँ, नहीं जरा आप देख अच्छा, लीजिए। और वो देखिए बच्चे का मैं नंबर भी देता हूँ आपको, आमिर का, देखिए, आप आप उनसे एक अच्छा बार करे, पूछ भी आपको लीजिए। बेशक अल्लाह ताला उसका अजर देगा। अच्छा, तो आप मेरे को ये बात मत बोलिए कि मैं किसी को देख के काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं काम 5 महीने मेरा पहले मतलब करा तो हाँ उन्होंने नहीं, आप मेरे काम देखे को, अल्लाह ताला देखा आपका काम, और देखेंगे किसी काम देखा देखी भी कर रहे तो चलो अच्छा काम हो रहा, देखा हम नहीं, देखी से भी। उन्हों मेरा काम देखा देखी कर रहे हैं, अल्लाह उनका काम कबूल करे। मैं 5 महीने पहले काम शुरू करा, मैं जो काम करा 5 महीने पहले, डिक तो उन्होंने उसी की कॉपी कर रहे हैं। मैं तो ये काम शुरू से करते आ रहा हूँ भाई, आज पहली बार थोड़ा ही करा, परसों पहली बार थोड़ा ही करा, मैं 5-6 महीने से कर रहा हूँ। तो आपका ये सवाल बिल्कुल गलत है कि किसी को देख के कॉपी कर रहे हैं, बोलना गलत है भाई। कॉपी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, चलो दे कोई भी रहो देखे तो, बस काम तो अच्छा हो रहा है बस। जी जी चलिए जी अल्लाह ताला आपसे भी वैसी काम लिए, हम जब भाई से भी वैसी काम लिए, सलीम साहब से भी वैसी काम लेते रहे आपसे भी अल्लाह ताला काम ले मेरे भाई, जजाकल्ला। इंशाल्लाह। और एक बात है साहब, एक बात लास्ट बात है जी 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 साहब, अपने राशिद भाई 12th अगस्त को
रास्ता रोको प्रोग्राम है राशिद कौन राशिद भाई भाई, खान, कौन है ये? नामपल्ली फेरोज खान साहब के छोटे भाई। नहीं, मैं फेरोज खान को जानता हूँ, राशिद कौन है? हाँ उनके भाई है, छोटे भाई है। अच्छा, तो क्या जरा करते हैं? सिगरेटेड की मस्जिद के लिए नो एक चारों का प्रोटेस्ट कर लिए, भी ये पांचवा है प्रोटेस्ट, रास्ता रोको के उसमें जरा आप भी जाइए जरा। ये देखिए मेरे भाई, सेक्रेटेड की मस्जिद को लेके मैं जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक मैं लड़ रहा हूँ भाई। मैं ये प्रोटेस्ट करो, चलो बंद करो, जाओ नारे लगाओ, मैं इन चीजों का ख्याल नहीं हूँ भाई। तो आप गए तो फिर अभी तक फिर क्यों नहीं हुआ साहब ये? मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक। मैं लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट तक गया था मेरे भाई, जी जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करा। सुप्रीम कोर्ट पे 3 जजेस की बेंच पे जो है सेक्रेटेड की मस्जिद का जो है मेरा ऑर्डर आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरे को क्लियर ऑर्डर नहीं दिया था, ये बोला कि हाई कोर्ट को अप्रोच हो बोल के। जी मैं हाई कोर्ट को अप्रोच होके हाई कोर्ट में जो है मैं WP फाइल करा हुआ हूँ। सेकेंड फेज लॉकडाउन आने की वजह से वो मेरा हाई कोर्ट का पिटीशन रीच नहीं हुआ। जी कोर्ट्स अभी हाल हाल में खुले हैं, जो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं मस्जिद के लिए वो करना भी चाहिए, लेकिन मैं जिस अंदाज में लड़ रहा हूँ मस्जिद के लिए, सेक्रेटेड की मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए लड़ने की मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं कानूनी दबाव डालने की बराबर जो है नहीं, कोर्टों में कोशिशें कर रहा हूँ भाई, आप वो वो कोशिश कर काम मैं रहे हैं कर आप रहा हूँ। सही हैं, लेकिन आप मजलिस में आज अब तक कुछ नहीं बोले मस्जिद के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। क्या मैं मस्जिद के लिए बहुत बोला हुआ, और मैं बोले आपको आप ये उससे बात मैं पहले आपको बोले आप ये बात भी बोल दे रहा हूँ मैं आपको ये बात भी बोल दे रहा हूँ कि जी अगर अगर हमारी मस्जिद वहां नहीं बनेंगी, मैं जी आपको वाजे तौर पे बात बोल दे रहा हूँ, TRS की हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ओके आपको ये भाई, बात क्लियर बोल दे रहा हूँ कि ये मस्जिद तो बनना ही है। बड़ी नाक वाले को अगर हमारी मस्जिद नहीं बनेंगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खैरताबाद चौरस्ते पे पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लूंगा अगर मस्जिद वहां पे जो है ये TRS की हुकूमत नहीं बनाएंगी। तो आप मुतमइन रहो, ये हुकूमत को जो है अपन कब गिराना है, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला अपने में इतनी ताकत तो दिया कि ये लोग हमारी मस्जिद शहीद करके दोबारा इख्तदार में नहीं आ सकते। तो जी लेकिन आप एक सबर का मुजाहरा करके इंशाल्लाह लीगल काम करेंगे। सबर तो कर रहे हैं साहब, देखिए वहां पर सेक्रेटेड का काम चल रहा है अच्छा, लेकिन मस्जिद का काम नहीं चल रहा। देखिए मेरे भाई मैं देखा फोटो, वो मेरे भी दिल को बहुत तकलीफ हुई देख के। आप, तो वही मैं मेरा देखा भाई, आपसे मेरे भी दिल को रिक्वेस्ट बहुत है, तकलीफ आप हुई देख जरा राशिद खान साहब, ये पॉलिटिकल मसला नहीं है साहब, जरा मस्जिद के लिए आप आगे आइए तो जरा वो सीएम को भी जरा वो दिखता साहब। आप अपन खामोश रह गए तो फिर उन्हें भी जरा क्या है टाल दे रहा हर चीज को उन्हें। उन्हें उतना बड़ा नहीं हुआ अभी उन्हें अपनी मस्जिद को टालने की। मेरे भाई आप मुतमईन रहिए, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत अल्लाह। भाई, सलाम।